हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से घर देखने के लिए, तो आज मिलने वाला है चाबी। अच्छा, वो थोड़ा सा थोड़ी मेरी बीवी आज टूटा नहीं, यहाँ पे स्टैंड है ना, वो घुमाने के चक्कर में थोड़ा सा हिल गया। अपने आते ये नहीं आते ना कैमरे में तो बोलते क्या हमको काट के लेती है, इधर वो ज्यादा ही घूम गया। तो चलिए देखते हैं, और आज एम्प्टी हाउस टूर भी कराएंगे। आज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, आज फाइनली हमें हमारा घर मिल जाएगा। यस, ये तो है। क्या बीवी? कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। मेरी बीवी एकदम बोल रही है हमको रोड पे फोकस करने हैं, तो हम रोड में फोकस किए हैं, हम लोग कैमरा देख भी नहीं रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। आज हम लोगों को अपना ड्रीम हाउस मिल गया। मेरी बीवी बहुत खुश है। और ये रहा उसका की की मुझे मिला है, मुझे दिया, बोला लेडीज फर्स्ट। और ये हमें मिला है फ्लावर। तो चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं एम्प्टी हाउस। घर में अभी कुछ सामान नहीं है, अब धीरे धीरे आएगा, बट आप लोगों को पहले पूरा घर दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हम एंट्री किए थे और ये रहा। ये वो इधर है, गेस्ट टॉयलेट है ये। जर्मनी में लोग इसको नहीं लगाते हैं, हम लोग तो स्पेशली इसको लगवाए हैं। ये रहा, छोटा सा टॉयलेट है और इसमें छोटा सा हीटर भी दिया हुआ है। तो गेट बंद करते हैं, अब चलते हैं। ये देखिए एंट्री में इतना, यहाँ ये मेन गेट से ये इतना एंट्री, इतना जगह है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक हीटर और दिया है, यहाँ पे ये एक और हीटर दिया है। और ये इस साइड ये कॉर्नर है जो नीचे की तरफ जाता है अंडरग्राउंड, वो बाद में आपको दिखाएंगे, पहले चलते हैं लिविंग रूम में। ये आ गए लिविंग रूम, और उधर जो सीढ़ी है राइट साइड जो सीढ़ी दिख रहा है वो ऊपर फ्लोर जाता है। तो पहले चलते हैं वो जगह जहाँ पे हम सारा दिन रहने वाले हैं, ये हमारा किचन। ये किचन है, मेरा गैस इस साइड आएगा इसलिए इतना टाइल्स यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि इधर फ्रिज वगैरह रहेगा। अच्छा धूप आ रहा है, देखिए धूप आ रहा है अभी। और ये देखिए यहाँ से जस्ट स्टेशन पूरा दिखेगा ही नीचे, और ये इस साइड बेसिन इस साइड रहेगा। अभी हम कुछ कुछ सामान लेके आए थे घर से, तो वो सब है। चलिए अभी यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये रहा हमारा लिविंग रूम। ये मेरा डाइनिंग एरिया का है, और ये रहा इधर टीवी आएगा। ये गार्डन है,
तो ये रहा हमारा इधर सोफा एरिया रहा, और इस साइड से व्यू देखिए ऐसा है। मेन एंट्री उधर है, किचन है ये पूरा, ये रहा हमारा नीचे का, ये पूरा किचन और लिविंग रूम एक साथ है। तो ये और ये देखिए लाइट ऐसे छोड़ा हुआ है, सब जगह लाइट लगाना है, बहुत काम है। किचन पता नहीं कब लगेगा, क्योंकि अभी सब लेट हो रहा है सब कुछ। तो ये रहा, तो अब कहाँ चले, अब चलते हैं ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर। चलिए चला जाए ऊपर। ये सीढ़ी ऐसा दिया हुआ, पूरा ऐसा ही सीढ़ी है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हमको तो अभी चढ़ के दो बार तीन बार चढ़े हैं, पैर में दर्द होने लगा। चलिए आपको अब टॉयलेट दिखाया जाए। ये देखिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग आपको शावर एरिया दिखा देते हैं, ठीक है। शावर एरिया हमारा ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है, दो है इसलिए ठीक ठाक है। फिर ये हो गया हमारा टॉयलेट एरिया, ये यहाँ पे हम लोग स्पेशली ये लगाए हैं। हाँ, ये यहाँ ना जर्मनी में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सही में स्पेशल ऑर्डर करके ना लगवाना पड़ा। और ये देखिए आप ऊपर सब जगह लाइट लटका हुआ है। हाँ, अभी लाइट हम लोगों को लगवाना है, बहुत काम है अभी। ये हो गया हमारा बाथ टब। मेरी बीवी रेस्ट कर रही है। हाँ? और ये टाइल्स देख लीजिए आप, टाइल्स भी है, हाइट ठीक है, नहीं था। हीटर दिखाते हैं यहाँ का, बाथरूम का बड़ा होगा था छोटा। हाँ, ये देखिए, ये हीटर जो है टॉवल हीटर है ना, पुराने घर में भी सेम हमारा ऐसा ही है, तो ये वाला आपको अच्छा भी लगता है। अब हम लोग चलते हैं रिसीट के रूम में। ये रहा रिसीट के रूम का एंट्री, ये सब फर्स्ट फ्लोर पे है। तो रिसीट के रूम का ये टोटल व्यू देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं घूम रहा हूँ, देखिए मेरी बीवी बहुत खुश है। अब हम दूसरे साइड आ गए हैं, ये भी लटका सब जगह लटका। तो रिसीट का रूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बेडरूम था एक्चुअली हम लोग का, लेकिन ओके है साइज के हिसाब से। और इस साइड इसका अलमीरा रखी है, इस साइड इधर अलमारी रखना है। और बेड किधर रखने का प्लान है, बेड इस साइड रखेंगे। हाँ, बेड इधर रखने का प्लान, बेड या तो ऐसे रखेंगे या डिपेंड करता है, बेड इसका आया नहीं, बेड खरीदेंगे उसके बाद, बेड लेकिन इसी साइड रहेगा। तो हम सोचे हैं कि बेड इसका यहीं रहेगा। चलिए आइए, हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे घर में, जो सबसे जरूरी चीज जो है ना, हाँ, स्मिता जो है अपना ऑर्डर करके स्पेशल ऑर्डर किए थी इसके लिए। ये रहा पूजा रूम हमारा। हमने आज मतलब भगवान को लेके ही एंट्री की है, अभी पूजा तो हुआ नहीं है, बस भगवान को लेके आए हैं। तो अभी बस जो है तीन भगवान का फोटो हम लोग रख दिए हैं। यहाँ पर स्मिता जो है पूरा रैक अच्छा से बनवाई है, जब बन जाएगा तो हम लोग दिखाएंगे। और सीसा ग्लास का, हाँ, और ये जो है डोर भी हम लोगों ने इस रूम में स्पेशल लगवाया है, भगवान एंट्री कर गए घर में। नहीं।
हाँ ये देखिए सब जगह अलग अलग दिया। इस फ्लोर में हमारे फ्लोर का कलर इस तरह का है, अलग दिख रहा है। अब हम लोग चलेंगे स्मिता के अपने स्पेशल रूम में। चलिए जाना दिखाई। हाँ हमारा बेडरूम, हम लोग दो रूम को एक रूम बना दिए। ये दो रूम था, यहाँ से दीवार था दीवार का एक रूम और ये दूसरा रूम बच्चे का। हम लोग ने पूरा बेडरूम कर दिया, देखिए इतना से लेके यहाँ से लेके वहां तक स्पेस है पूरा। पहले यही था, एक एक रूम था, बहुत छोटा हो जाता, देखिए इतना बहुत छोटा हो जाता, क्या करता बच्चा लोग, दो बच्चा। ये हमारा बेडरूम है, इस साइड हम लोग बेड रखने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइट दिया है जिससे क्या होगा बेड पे बैठे बैठे स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम लोग एक लाइट यहाँ दिए हैं इसलिए बेड को तो यही रखना है, इसके अलावा कहीं रखना नहीं है। तो बेड हमारा इस साइड आने वाला है तो और हम इस साइड सोचे हैं अपना ड्रेसिंग टेबल रखने का इस एरिया में। देखते हैं नया ड्रेसिंग टेबल लेंगे तब रखेंगे पुराना वाला। देखिए स्पेस बहुत ज्यादा है, हमारे रूम छोटा वाला है, आपको बड़ा स्पेस है तो बड़ा लेना बनता है, तो देखते हैं। और उसके बाद अलमारी किधर लगाइएगा बता दीजिए। अलमारी ये पूरा में हमने अलमारी लिया है, कितना 4 मीटर का है, ये 4 मीटर एरिया है। हाँ, लिए हम लोग का भी तो 3 के लगभग है। हम लोग 330 या 350। हाँ थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है दोनों साइड क्योंकि हीटर है ना, तो हीटर की वजह से हम लोग पूरा नहीं दे पाए हैं और थोड़ा सा गैप छोटी है पूरा लंबा। एक बाद में जब हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, जब कुछ दिन हो जाएगा तब ये इस एरिया में भी एक लगवाएंगे, इस एरिया में भी एक सोचे हैं क्योंकि क्या है ना एक में कपड़े नहीं हो पाते तो दो चाहिए ही चाहिए, एक उस साइड एक ही साइड क्योंकि बहुत बड़ा है। तो देखते हैं चलिए आप एक बार हम धीरे से सब दिखा देते हैं पूरा रूम। और ये देखिए हमारे खिड़की से ये बाहर का व्यू आएगा, ये पूरा जो है ना इस सोसाइटी में कितना घर है सब हम दिखा देते हैं। ये गार्डन व्यू आ रहा है, ये देखिए अब ये दूसरी खिड़की से ये व्यू आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। जानू अगला डेस्टिनेशन क्या है? चलिए टॉप फ्लोर पे अब चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसका हाइट देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे ये दिखाइए तो ऊपर का हाइट, ये कौन इसको पेंट करे, बहुत ज्यादा हाइट है ये सीढ़ी रूम में ना। अगर गंदा हो गया ये सीढ़ी दिखाइए इधर से, ये देखिए हमारा ये। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि इतना काम कौन करेगा, हम थोड़ा थक गए। चलिए हम लोग स्मिता के साथ साथ ऊपर चलते हैं। आप ऊपर बढ़िए हम सीढ़ी दिखाते हैं, ये देखिए हम आपको सीढ़ी दिखाते हुए चलते हैं। हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं अब। ओके तो सेकंड फ्लोर में हमारा पूरा एक हॉल है बड़ा सा, ये उसका दरवाजा है। अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये एक साइड है, ये है? है? हाँ हम पूरा पहले एक बार राउंड करके दिखा देते हैं, समझे? और ये पूरा हमने हॉल छोड़ा है, हमने दो रूम बनाए हैं, ये रहा यहाँ पर था। ये पूरा लंबा हॉल है, यहाँ पे एक सोफा रखेंगे और ये इनका ऑफिस बनाएंगे, ये एरिया है, ये वाला एरिया तो इनका ऑफिस सोचिए बनाने का, मेरा ऑफिस इनका ऑफिस, जो भी हम यूनिट पे काम करेंगे यहाँ। अच्छा ये फ्यूचर में हमारा ऑफिस होगा, सोचे देखते हैं। ये रहा ऑफिस एरिया जो स्मिता
जगह दिखा रही थी आप लोगों को। ठीक है, हाँ जानू जी। और ये वाले एरिया में भी एक सोफा रखे हैं, ये सोफा रखे हैं। सोफा का एरिया है? नहीं, सोफा उधर कर देंगे, टीवी इधर कर देंगे। अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं क्या करेंगे, कि सोफा इधर करेंगे, टीवी इधर करेंगे। वो क्या है, जब सामान लाएंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, रुकिए। पूरा लंबा हॉल ही है, इसमें दो लाइट है, ऊपर दो लाइट है, आवाज गूंज रहा है। तो चलिए आपको यहाँ पे दो हीटर, एक हीटर, दो हीटर है, एक इधर हीटर दिया है और एक उस साइड दिया है। चलिए आपको देखिए यहाँ से पूरा हॉल आपको मैं पूरा लंबा दिखा रहा हूँ, लंबा हॉल है ये। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जानू? अब हम आपको अपना टेरेस ले चलते हैं। ये देखिए दो साइड से एंट्री है, उधर से भी है और हम लोग इधर से कर रहे हैं। और ये है सर्कल, ये ठंडा में आप ऐसे ये ऊपर गया, ये देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये देखिए नीचे जाएगा। इसको बाद में करेंगे, चलिए इसको देख लीजिए और इसको यहाँ पर अटका देते हैं। चलिए, और ये रहा हमारा टेरेस जो बहुत अच्छा धूप आ रहा। एक साइड टेरेस का और ये रहा दूसरा साइड टेरेस का। ये येलो वाला जो है ना, ये हम लोग का पार्टीशन है दोनों साइड का। हाँ, ये पार्टीशन हो गया हमारे नेबर के घर से। वो वहाँ से दिखा रहे हैं और यहाँ पूरा हमारा टेरेस। ठीक ठाक है टेरेस का विड्थ और लेंथ ना? ठीक है, पापड़ ऊपर टूट जाएगा, अचार उचार बन जाएगा। हाँ हाँ, टेरेस से व्यू हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दो लोग शिफ्ट भी कर गए, दो फैमिली। ये हम लोग अपने टेरेस से आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। ये टेरेस से हमारा घर दिख रहा है। हाँ, ये देखिए डोर में ना की लगाए हैं, कि रिसीव कहीं जा ही नहीं पाए। इतना बड़ा घर है और हमको आइडिया नहीं रहेगा वो कहाँ है, बालकनी में है, हमने सब जगह ये बिल्डर भी लगाता है ये हम लोग एक्स्ट्रा को, क्योंकि हमारे पुराने घर में भी की है तो हमको बहुत पसंद पड़ा था। हमने स्पेशली सारे घर में सारे लॉक ऊपर से नीचे तक सब में लॉक लगवाया है। इसका फ्लोर चेंज, देखिए इस फ्लोर में हम लोगों ने इस कलर का फ्लोरिंग करवाया है। तीनों फ्लोर में स्मिता ने ना अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग कंपनी का फ्लोरिंग करवाया है। तो ये हमारे सेकेंड फ्लोर का हम फ्लोरिंग दिखा रहे हैं आपको। और ये कॉर्नर में एक स्लोप टाइप से, ताकि ठंडा में जो बर्फ गिरेगा ना छत पे वो पिघल के फिर उधर पानी भर के बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा स्लोप, थोड़ा सा स्लोप दिया है, प्लेन छत यहाँ नहीं बनता है तो। या तो दोनों साइड स्लोप रहता है या तो एक साइड है। हम लोग लकी हैं कि हमारा घर ना एक ही साइड स्लोप वाला है, नहीं तो डार्क भी रहता है बहुत देर। और देखिए एक रूम और है, ये छोटा सा है, ये हमारा है छोटा सा रूम है, टेक्निक रूम है। यहाँ हमारा हीटर रखा हुआ है, यहीं से पानी हीट होगा। ये स्पेशल हीटर है जो कि सोलर सिस्टम से चलता है, तो पहले सोलर एनर्जी ये लेगा और जब सोलर एनर्जी नहीं रहेगा मानिए
तब बिजली से हाँ, चलेगा तब ये हाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। तो अभी सब वर्क कर रहा है, अभी सब कुछ चालू हो गया। और ये देखिए छोटा सा स्पेस भी हो गया हमारा यहाँ पे सारा सामान रखने के लिए, क्योंकि यहीं तक आपका वो है मशीन है। हाँ तो यहाँ हम लोग कुछ अपना सामान भी रख सकते हैं, स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं ऊपर भी। एग्जैक्टली यहाँ भी स्टोर रूम एक हो गया सबका थोड़ा कुछ। वैसे तो सारा क्लीनिंग सब कुछ है, हम मेरी बीवी अब नीचे चल रही। चलिए हम लोग इसके साथ नीचे चलते हैं। थक गए नीचे जाते। मेरा तो अभी हालत खराब है। मेरी बीवी को डर लग रहा है कि इसको क्लीन कौन करेगा इतना बड़ा हाउस को, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब पास पास रूम है, उसी का क्लीनिंग करने में हमको हालत खराब हो जाती। यहाँ तो वैक्यूम ऊपर ना एक जगह तो जाएगा और एक बार में सब हो जाता। हर फ्लोर में एक वैक्यूम रखिए। अब हम लोग केलर की तरफ जा रहे हैं। केलर अंडरग्राउंड स्टोर रूम कहिए, जो अंडरग्राउंड है, जो एंट्री इधर दिखाए थे ना आपको, एंट्री से सीधी वही सीधी है। ये एंट्री है हमारा, ये एंट्री दिखा आपको, और ये हमारा सीधी नीचे जा रहा है। यहाँ पे मतलब जितना गर्मी पड़ेगा ना गर्मी में नीचे आ जाए, और ठंडा में नहीं आएंगे। ये देखिए ये भी एरिया यूटिलाइज कर सकते, इतना बड़ा स्पेस है यहाँ। ये भी हमारा स्टोर रूम ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सोचे हैं एक ना जैकेट, जो हमारा एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह रहता है उसके लिए लकड़ी का लगा देंगे। अलमारी जो है बना दीजिए। चलिए ये हमारा आ गया किलर, ये खेती का ओपन कर सकते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस इंटरनेट, उसके बाद आपका वॉशिंग मशीन ड्रायर सबका कनेक्शन केलर में इस साइड है। और कुछ कुछ ऐसा जगह है जैसे ये बॉक्स कुछ कुछ बॉक्स है जिसको आपको खोलना नहीं है, वो सरकारी आदमी खोल सकता है या कुछ होगा, हम लोग को टच नहीं करते। हाँ सील लगा हुआ है। हाँ सील लगा हुआ जैसे होता है इंडिया में, सील लगा हुआ है वो है। चलिए नेक्स्ट साइड हम लोग इस साइड। यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है, एक डिश वॉशर का दिया हुआ है, सॉरी वॉशिंग मशीन का, और यहाँ पे एक ड्रायर का है। वॉशिंग मशीन का पानी इससे जाएगा, सब कुछ बता दिया। चलिए नेक्स्ट साइड चलते हैं। नेक्स्ट साइड थोड़ा अंधेरा है, अभी लाइट नहीं लगा है, लाइट लगा। ये रहा एक भी दो लाइट है किधर में, एक इधर है एक इधर है। जितना बड़ा हॉल देखे थे उतना उतना ही बड़ा है, उससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा क्योंकि गैस नहीं निकला है ना इसमें। नहीं ये जो ऊपर दिखाए थे उससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि गैस टेरेस यहाँ नहीं निकला है। तो ये रहा ये खिड़की बंद है, अच्छा लग रहा है। तो केलर भी ना बहुत बड़ा है, ये तो पूरा स्टोर रूम हो गया है, बहुत बड़ा है। स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये। और यही पे है जितना भी सामान वामान मेरे घर का है, सब कुछ यही रहेगा। ओ खिड़की को बंद कर दिया है। सेफ्टी अब तो चाबी, अब आपका जिम्मेदारी है सब कुछ बंद करने का, क्लोज करके जाने का। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ सीढ़ी, हम लोग केलर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो ये व्यू होगा हमारा, ये गेस्ट टॉयलेट दिख रहा है, और उधर हमारा मेन एंट्री दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैं आपको मेन एंट्री अच्छे से दिखा देता हूँ।
इस एरिया में हम लोगों ने सोचा है या तो शू रैक या तो जैकेट, जैकेट टांगने के लिए रैक हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा मेन एंट्री वाला एरिया भी कवर हो गया है। चलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं, फिर शाम हो गया है। कैसा लगा ये हमारा प्रेमसिक होम टूर ज़रूर बताइएगा। बहुत थक गए हैं, बहुत भूख लगा है, चाय पीने का मन कर रहा है, एक बार भी चाय नहीं पिए हैं। मेरी बीवी हमको कुछ खाने भी नहीं देने हैं घर में। कैसे खा सकते हैं, घर गंदे जब तक पूजा नहीं करेंगे कैसे खाने देंगे। आप बताइए, पूजा से पहले खाने देंगे नहीं देंगे ना घर में। एक बार पूजा हो जाए घर में सीख कर फिर खाते रहेंगे जितना खाना है। हम बोले खाना है तो खाना ले लीजिए, बाहर जाके खा लीजिए। तो हमारा हो गया आज का ब्लॉग, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा हमारा न्यू हाउस। सुमिता बहुत ही एक्साइटेड है आज। क्या हुआ, जैसे ही चाबी मिला, कितना फैमिली है, दो तो पहले ही शिफ्ट कर गया, उसको कल मिला था और मेरे साथ आज दो को मिला है। तो पहले मेरा नंबर था 12 बजे, उसके बाद उसका नंबर था 2 बजे से, 4 बजे उसका खत्म हुआ और 4 बजे सामान लिया पूरा रखने लगा। और हम मेरा तो है कि अभी पहले किचन लगेगा फिर पूजा होगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो फिर बताइएगा कैसा लगा घर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज पूरा दिन लग गया, सुबह निकले थे उसके बाद अभी कितना 8 बजने वाला है, तो पूरा दिन अच्छा लग गया। सर बहुत दर्द हो रहा है, चाय पीने वाले को आज चाय नहीं मिला है। चलिए मिलते हैं, जरूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा हमारा घर। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।